नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। सबसे पहले बता देते हैं कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीयू के ही प्रदेश प्रवक्ता मनोरंजन गिरी जी। स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। क्या कहिएगा, राजद नेता प्रतिपक्ष बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान आया है कि मोदी जी रेपिस्ट का प्रचार करते हैं, आप भी एनडीए का हिस्सा हैं, क्या सोचते हैं? रेपिस्ट का प्रचार करते हैं, बलात्कारियों को टिकट देते हैं। देखिए, एनडीए गठबंधन जो है वो खुद बलात्कारियों को टिकट दी थी, वहाँ से जम्मू कश्मीर से उन्होंने जो टिकट दी थी। बिहार में भी बहुत सारे बलात्कारियों को तेजस्वी यादव ने भी टिकट देने का काम किया था। ये लोग तो अपने इन लोगों का दामन में दाग लगा हुआ है। ये लोग झुटमुट करके दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। ये लोग तो माफियाओं को, बलात्कारियों को, इन लोग धनासेठों को और समाज के अराजक तत्वों को तो लोग खुद टिकट देने का काम करते हैं। राजद और कांग्रेस, राजद और कांग्रेस खुद बलात्कारी को, अपराधी को, माफिया को ये लोग टिकट देने का काम करते हैं और ये लोग आरोप लगा रहे हैं। बात रही कर्नाटक की, वहाँ तो उसको पार्टी ने निकाल दिया। जब पार्टी को संज्ञान में आया तो पार्टी ने उसको निकाल दिया। अच्छा, क्या कहिएगा, दीदी के भाईजान यानी टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर कहते नजर आ रहे थे कि हिंदुओं को काटकर भागीरथी में बहा देंगे, विवादित बयान है, ये वही लोग हैं जो जय श्री राम बोलने पर भी आपत्ति जता रहे थे? देखिए, वो टीएमसी के जो विधायक हैं और टीएमसी के जो नेता हैं क्या बोल रहे हैं, लेकिन सभी धर्मों के लोगों को आदर करना चाहिए। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सभी धर्मों को सम्मान किया है। यहाँ न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। यहाँ तो हम लोगों ने सभी के लिए काम किया है बिहार में। और जो लोग विवादित बयान देते हैं वो अपने को सुर्खियाँ बटोरने के लिए बयान देते हैं कि हम अपने सुर्खियों में रहें, और कदापि राजनेताओं को तो ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। और जो लोग ऐसा बयान दे रहा है उसको पार्टी से निकालना चाहिए, कोई भी पार्टी का वो नेता हो। अच्छा, लोकसभा चुनाव चल रहा है, उससे एक सवाल लेते हैं। पिछली बार के आंकड़े निकाल ले तो एक सीट से रह गए थे किशनगंज की सीट से, इस बार क्या लगता है? 40-40 का आप लोग दावा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि उलट फेर होगा? देखिए, वो किशनगंज वाली जो सीट है बहुत कम मार्जिन से हम लोग हारे थे। अब की बार वो भी सीट कांग्रेस की चली जाएगी और बिहार में इनका खाता नहीं खुलेगा। राजद का इस बार भी नहीं खुलेगा कांग्रेस? राजद का तो खाता खुला ही नहीं था, इस बार भी नहीं खुलेगा। इनका तो दुकान बंद था, इनका शटर गिरा हुआ था, इनका शटर खुलने वाला नहीं है। इसलिए इनका शटर खुलने वाला नहीं है कि बिहार की जनता इनको जानती है कि इनके शासनकाल में बिहार जल रहा था, धू धू करके बिहार जल रहा था। बिहार में लोग सुरक्षित नहीं थे, बिहार की दुकानें 12 बजे बंद हो जाती थी। और एक सीट जो कांग्रेस को गलती से खुल गया, ये भी तेजस्वी यादव जी की बेचैनी है कि मेरा बी टीम कांग्रेस है, इसको एक सीट कैसे आ गया। तेजस्वी यादव जी की बेचैनी अब की बार समाप्त हो जाएगी, वो सीट भी खत्म हो जाएगी। आपने अभी कांग्रेस को बी टीम कहा, कांग्रेस राष्ट्र की पार्टी है, राजद राज्य की पार्टी है, फिर भी बी टीम है बिहार में? तो बी टीम है बिहार में, तो आरजेडी जिसको कहती है उसको कांग्रेस टिकट देता है। बिहार में तो बी टीम कांग्रेस है ना, बिहार में तो आरजेडी के ऑक्सीजन से चलता है। आरजेडी के ऑक्सीजन से चलता है? अरे, तो देश में हमको लगता है कि अनेक अनेक पार्टियों के ऑक्सीजन से चलता है, बिहार में आरजेडी के ऑक्सीजन से चलता है। जिस दिन आरजेडी ऑक्सीजन हटा लेगी कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। मतलब बैसाखी पे चलता है कांग्रेस, नहीं हर जगह? अरे, उसके देख नहीं रहे हैं, उसके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी हैं, वायनाड से भागे, अमेठी आए लड़ने के लिए, अब अमेठी छोड़ के रायबरेली जा रहे हैं। प्रियंका गांधी बोल रही है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये लोग दहशत में है, इंडी गठबंधन वाले लोग। ये लोग जितना बोले लेकिन ये लोग अंदर से बहुत दहशत में है। क्या कहिएगा, जिस तरीके से 2016 में जो शराबबंदी हुई थी, जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी बनकर निकल कर आता है, उसको लेकर भी सवाल तमाम उठाए जाते हैं कि जो शराबबंदी का फैसला लिया गया था वो भी फेल, और सुशासन बाबू का सबसे तगड़ा फैसला था वो, लेकिन उसको लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं कि फेल है वो। देखिए, शराबबंदी का जो फैसला था वो पूरे बिहार के सभी पार्टियों ने मिल करके इसको निर्णय लिया था, और आरजेडी भी शराबबंदी के पक्ष में था। जब हम लोगों के साथ थे तो उन्होंने एक दिन भी शराबबंदी के बारे में नहीं बोला, वो शराबबंदी के पक्ष में थे। और कौन नहीं चाहता है कि बिहार का युवा शराब ना पिए? कौन नहीं चाहता है कि नशाखोरी से हम लोग दूर रहें? और शराब ही यदि बढ़िया चीज़ है, लोग शराबबंदी को बात करता है तो कोई क्यों नहीं बाप अपने बेटे को शराब पिलाता है? शराबबंदी का जो निर्णय है, गांधी के सिद्धांतों पर चल कर के जो बिहार है,
जहाँ हम लोग गांधी को मानते हैं, हम लोग गांधी के नीतियों पर चलते हैं, गांधी ने नशा को बहुत ही घृणित काम बताया था, और बिहार में शराबबंदी बंद है, और लोग इसी के न तुलना करता है कि जैसे ट्रेन में चल रहे हैं तो एकाध दो पाकिट मार मिल गए, उसकी चर्चा आप करते हैं, पूरी ट्रेन में बैठे लोगों की चर्चा आप नहीं करते हैं, एक दो पाकिट मार की आप चर्चा करते हैं। तो बिहार में शराबबंदी सफल है और यह अनवर जारी रहेगा। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे, लोकसभा चुनाव चल रहा है, 40-40 आपकी होगी बिहार में, कन्फर्म है, और देश में 400 पार? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें माननीय नीतीश कुमार जी का जो बिहार में विकास का उन्होंने काम किया है, और देश में नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के स्वाभिमान को ऊंचा करने का काम किया है, उसी का प्रतिफल होगा कि हम बिहार में 40-40 सीट जीतेंगे और बिहार में इंडी गठबंधन का शटर बंद हो जाएगा, किसी का खाता नहीं खुलेगा। देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे मनोरंजन गिरी जी, जो कि जेडीयू के ही प्रदेश प्रवक्ता हैं। हमने खासा इनसे बातचीत की, कुछ सवाल किए, उन सवाल का इन्होंने जो भी कुछ जवाब दिया विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो, देखते रहे न्यूज़ 24। मैं नंदन अपना सहयोगी मनोज के साथ, धन्यवाद।